और बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर है जहां सीएमओ के पीछे चप्पल लेकर दौड़ी महिला पार्षद। अपात्र लोगों को पट्टे वितरण करने का विरोध किया जा रहा था और साथ ही सरकारी कार्यक्रम में महिला पार्षद को ना बुलाने की को लेकर भी नाराजगी थी। नाराज होकर पार्षदों ने भारी हंगामा किया है। बता दें कि दो महिला पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छिंदवाड़ा में महिला पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और सीएमओ के पीछे चप्पल लेकर दौड़ी महिला पार्षद, सीएमओ को मारने के लिए उसे दौड़ा दिया। पीछे महिला दौड़ रही थी और आगे सीएमओ अपनी जान बचाते हुए भागने लगा। बता दें कि जो जमीन पट्टा वितरण जो पात्र लोगों को मिलना चाहिए अपात्र लोगों को मिल रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं पार्षदों के द्वारा, इसको लेकर भी नाराजगी। और साथ ही आप बता दें कि जो सरकारी कार्यक्रम था, इस सरकारी कार्यक्रम में महिला पार्षद को नहीं बुलाए जाने से भी नाराजगी थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें जब भारी हंगामा हुआ, विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और ये महिला पार्षद चप्पल उठाकर दौड़ी तो सीएमओ अपनी जान बचाते भागते नजर आए। उन्होंने दौड़ लगा दी और कार्यालय में जाकर छुप गए। बड़ा सीएमओ श्री रोशन सिंह पाथम जी द्वारा रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई है कि उनके साथ में 9 लोग हैं, इनके द्वारा साथी कारण बाधा कर उनके साथ मारपीट की गई एवं चप्पलों से मारपीट की गई एवं जातिगत रूप से अपमानित किया गया। उसमें उन आरोपियों के विरुद्ध में साथी कारण बाधा डालना और मारपीट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है, इसकी इनका मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या है पूरा मामला और असल नाराजगी महिला पार्षदों की क्या थी? देखिए, ये जो कार्यक्रम था ये छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू के द्वारा पट्टा वितरण किया जाना था और ये जिस महिला पार्षद के वार्ड में कार्यक्रम हो रहा था, वार्ड नंबर 4 में, वहाँ की जो पार्षद है संतोषी वंशकार, उनको उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, जिसको लेकर उनको नाराजगी थी। इस नाराजगी का एक कारण और भी है कि वो बहुजन समाज पार्टी से पार्षद थी और बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया था, तो उनको लोकसभा विभाग का सभापति भी बनाया गया था, कुछ समय पूर्व उनको हटा दिया गया था। उस बात को लेकर वो वैसे ही नाराज चल रही थी और कल जब उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया तो वो उसको लेकर काफी आक्रोशित हो गई और चप्पल लेकर सीएमओ के पीछे दौड़ी। सीएमओ पहले ही भाग कर जो माहौल बिगड़ता वो देख कर वो जाके अपने कार्यालय में छुप गए थे और काफी मामला हुआ। पुलिस की तत्परता के कारण कोई बड़ी वो नहीं होगा, वरना कल सीएमओ के साथ काफी ज्यादा अभद्रता हो सकती। जी शरद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।